हेलो फ्रेंड्स, तो आज का इस चैप्टर में सेगमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेगमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और कौन कौन से सेगमेंट्स है, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, तो प्लीज़ अपना इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे ये आपके सभी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। तो ये जो भी नोट्स हैं ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे विद, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने कॉमर्शियल पेपर वगैरह एवरीथिंग बेसिक चीज़ें भी डिस्कस की गई है और आपको विद आंसर आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है ये नोट्स। तो प्लीज़ इस नोट्स को ज़रूर देखिएगा एंड एंड तक वीडियो देखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो मैंने प्रोवाइड कर दिया, ये नोट्स हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए एंड हो तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो आपको जो स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं है उनके लिए एक स्पेशल वीडियो है, ओके। तो जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है तो किस कैसे स्टडी करें, तो इसलिए मैंने नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है विथ आंसर। तो आप ज़रूर इसको पढ़िए, एनी डाउट रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगी। आप मुझे टॉपिक दीजिए, आप मुझे बताइए कि आपको ट्रेजरी बिल नहीं समझ में आया, आपको जो कॉमर्शियल बिल नहीं समझ में आ रहा क्या है ये, आप मुझे बोलिए तो तब मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में सभी के सारे डाउट क्लियर करूँगी या फिर मैं ऑनलाइन आऊँगी, ओके। तो अब आपके ऊपर है कि आप मुझे जितना जल्दी बताएंगे उतना जल्दी मैं आपके हेल्प कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर करिए उन फ्रेंड सर्कल में, उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिनके पास नोटबुक नहीं है, सॉरी बुक्स नहीं है इकोनॉमिक्स के एंड उनको नोट्स की ज़रूरत है, कैसे आंसर लिखे नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।